हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो टैली की है। चलिए आइए देखते हैं टैली में नया क्या आज आपको सिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में खास है। चलिए आइए देखते हैं क्या खास है। तो यहाँ पर टैली को ओपन किया, एक कंपनी 1234@ कंपनी के नाम से एक कंपनी बनी हुई है। यहाँ पर हमको करना है नंबर फॉर्मेटिंग। तो आपको करना क्या होगा, देखिए शॉर्टकट की हेल्प की क्या होती है। चाहे आप एमएस ऑफिस का कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप एक्सेल इस्तेमाल कीजिए, वर्ड इस्तेमाल कीजिए, पावर पॉइंट इस्तेमाल कीजिए, कंप्यूटर इस्तेमाल कीजिए। कंप्यूटर में विंडोज में F1 जो है हेल्प की शॉर्टकट की होती है, टैली में भी होती है। तो F1 प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जाना होगा सेटिंग में। तो ये सेटिंग आपको दिखाई पड़ी रही होगी, सेटिंग पे चले जाइएगा और यहाँ पर अब आप आ जाइए कंट्री में। तो ये कंट्री पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कंट्री, ठीक है, और यहाँ दिया गया नंबर फॉर्मेट, देख सकते हैं। हमें चले जाना है नंबर फॉर्मेट पर, एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कंट्री में जो डेट की स्टाइल आपको यूज करनी है, देखिए डेट DDMMYY के फॉर्मेट में चाहिए कि MMDDYY के फॉर्मेट में चाहिए। एक्चुअल में हमारे जो सिस्टम है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टम में डेट का फॉर्मेट क्या होता है, तो पहले MM होता है, फिर DD होता है, फिर YY होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीकों से दिया गया है। यहाँ पर DDMMYY भी दिया गया है, MMDDYY दिया गया है। DD का मतलब पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। MM यानी पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, फिर ईयर आएगा। पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। तीनों में से कौन सा स्टाइल यूज करना चाहते हैं, जैसे ये यूज करना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ईयर फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग डेट, डेट कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डैश से इसे सेपरेट किया गया है, यानी डेट को डैश से सेपरेट किया गया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आप इस तरीके से स्लैश लगा करके भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको हमें डैश ही रखना है, करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि सेपरेटर टू यूज फॉर 1000। अगर आप 1000 लिखेंगे तो कॉमा से सेपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पूछ रहा है। तो अगर कॉमा से सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ कॉमा ही रखिए। ये होता है डेट फॉर्मेटिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आपको करना है। टैली में ये काफी अच्छा फीचर है और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कभी कन्वीनियंस काफी हो सकती है इससे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।